हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लड रिलेशन स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स बातें मालूम होनी चाहिए कि कैसे हम क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम आंसर निकालेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए कुछ बेसिक्स बातें हमें पता होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन के अंदर आपके मेल आता है या फीमेल आता है तो आप मेल को रिप्रेजेंट करेंगे प्लस साइन से और फीमेल के रिप्रेजेंट करेंगे माइनस साइन से। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद अगर सपोज़ आप हो और आपके सिस्टर है, ब्रदर है, अगर इस तरह से आता है तो आप इसको इस एरो से डिनोट करोगे, मींस बराबरी वालों से। मतलब ये भी आप हो और यहाँ भी, मतलब सेम एज है ना आपकी, इसके लिए आप इससे रिप्रेजेंट करोगे। अगर आपके फादर आते हैं, आपकी ग्रैंड मदर आती है, तो आप उसको इस साइन से रिप्रेजेंट करोगे, मतलब आपसे ऊपर की एज है। अगर आपके नीचे की एज आती है, आपकी डॉटर हो गई, आपकी मीन्स आपके बेटे हो गए, तो आप उसको इस साइन से रिप्रेजेंट करोगे। तो इतना क्लियर हो गया। अगर मेल आता है तो प्लस साइन डिनोट करना है, फीमेल आती है तो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करना है। अगर आपके एज वाले लोग हैं तो आपको ये वाला साइन यूज़ करना है, और अगर आपके ऊपर के एज की है, मतलब मामा पापा, तो आपको ये वाली एरो यूज़ करनी है। अगर आपके नीचे की एज वाले हैं तो आपको ये वाली एरो करनी है। इससे आपको क्या होगा, ईजी रहेगा आंसर निकालने के लिए। तो चलिए देखते क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, ए इज बी सिस्टर, सी इज बीज मदर, डी सीज फादर, इज डीज मदर, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डू। इस तरह से आएगा। तो इसको सबसे पहले हम कैसे समझेंगे, ए इज बी सिस्टर। ए जो है वो बी का सिस्टर है, मतलब बी की सिस्टर है। तो सिस्टर है मतलब बराबरी की एज है, तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, ए है बी की सिस्टर, ठीक है। तो ये जो ए है वो सिस्टर है बी का, तो ये फीमेल होगी, तो मैंने इस पर नेगेटिव साइन कर दिया। उसके बाद क्या बोला है, सी इज़ बीज मदर। सी जो है वो बी की माँ है, मतलब सी इज़ बीज मदर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। फिर बोला है डी इज़ सी इज़ फादर। डी है वो सी का क्या है, पापा है, तो मैं इसको इस तरह से करता हूँ, डी इज़ सी इज़ फादर। बाद में ई इज़ डी इज़ मदर। ई है वो इसकी माँ है, और डी क्या, देखिए सबसे पहले मैंने लिया ए इज़ बी सिस्टर, ए इज़ बी सिस्टर, उसके बाद सी इज़ बी इज़ मदर, सी है वो बी की क्या है, माँ है, ये फीमेल होगी। उसके बाद डी इज सी इज़ फादर, डी ई सी इज़ फादर, ये इसका क्या है, पिता है, तो मैंने इसको प्लस से साइन किया। उसके बाद ई इज डी इज़ मदर, ये वाली जो है इसकी डी की माँ है, तो इसको इसके कर दिया। अभी बोला है हाउ इज़ ए रिलेटेड टू डी, मतलब ये जो है इसको क्या रिलेट करता है, ठीक है। तो इसमें जो आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन डी, डी वाला, ग्रैंड डॉटर। कैसे, देखिए, ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, ठीक है, फिर बी इज़ द डॉटर ऑफ सी, मतलब बी है वो डॉटर है किसकी, सी की, ठीक है, ये डॉटर हो गई सी की। उसके बाद ए इज़ द डॉटर ऑफ सी, मतलब ये इसकी माँ है तो इसकी भी माँ होगी, क्योंकि दोनों क्या है, भाई बहन है, ठीक है। ऑल्सो डी इज़ द फादर ऑफ सी, मतलब ये इसका पिता है। सो ए इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ डी, तो ए इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ डी, क्योंकि इसका क्या हो गया, दादा हो गया, तो ये हो गया ग्रैंड डॉटर, इसका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, पी इज़ द ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर एस इज़ आर मदर्स, टी इज़ पी इज़ फादर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे पी इज़ द ब्रदर ऑफ क्यू, पी यहाँ पे लिखता हूँ, पी इज़ द ब्रदर ऑफ क्यू, तो ये क्या हो गया, भाई हो गया इसका। फिर एंड आर एस, सॉरी क्यू, पी इज़ द ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर है, ये यहाँ पर थोड़ा हुआ है, क्यू एंड आर, पी इज़ द ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर, मतलब ये तीनों क्या है, आपस में भाई बहन है, मतलब इसमें से एक का पता हमें ये जेंट्स है और इन दोनों का हमें मालूम नहीं है अभी, ठीक है। उसके बाद बोला है एस इज़ आर मदर, एस जो है वो आर की माँ है, ये जो एस है वो आर की क्या है, माँ है, ठीक है। तो ये तीनों की भी माँ होगी, इसकी माँ है तो ये आपस में भाई बहन होंगे, तो इनकी भी माँ होगी, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है टी इज़ पीज फादर, टी इज़ पीज फादर, ये जो टी है ये पी का क्या है, फादर है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू, तो इसमें देखिए टी इज़ क्यूज फादर, ठीक है, हाँ क्यू फादर है इसका भाई, इसका फादर है तो इसका भी फादर होगा, इसका भी फादर होगा। उसके बाद बोला एस इज़ पीज फादर, एस इज़ पीज फादर, नहीं ये तो माँ, सॉरी मदर, एस इज़ पीज मदर, हाँ इसकी माँ है तो इसकी दोनों की भी माँ होगी। उसके बाद बोला पी इज़ एस सन, पी इज़ एस सन,
सन इसका बेटा है, हाँ क्योंकि ये मेल है, यहाँ पर लिखा है प्लस साइन। उसके बाद क्यू इज टी सन, क्यू इज टी सन। ये देखिए यहाँ पर हमें पकड़ा, मतलब ऑप्शन डी क्या है, डेफिनेटली ट्रू नहीं है, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं किया है कि जो क्यू है वो जेंट्स है या लेडीज़ है, क्योंकि हमें पी का दिया था, पी इज़ द ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर, बट इन दोनों का हमें नहीं दिया है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, बाकी सब तो ट्रू है, बट ये वाला जो स्टेटमेंट ऑप्शन डी है वो गलत है। क्या दिया है, क्यू इज टी सन, कैसे भाई बेटा होगा यहाँ पर, तब आपने मेंशन ही नहीं किया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, क्यू इज टी सन। ठीक है, तो इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, बी इज द ब्रदर ऑफ ए एंड ई इज द ब्रदर सॉरी बी इज द ब्रदर ऑफ ए एंड ई इज द ब्रदर ऑफ डी, इफ डी इज द फादर ऑफ बी देन हाउ ई एंड ए आर रिलेटेड। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे बी इज द ब्रदर ऑफ ए, मतलब बी है वो किसका भाई है, ए का, तो ये हो गया मेल। उसके बाद ई इज द ब्रदर ऑफ डी, मतलब ई इसका भाई है, ठीक है, तो ई हो गया मेल। उसके बाद बोला है इफ डी इज द फादर ऑफ बी, इफ डी इज द फादर ऑफ बी, मतलब ये भी क्या हो गया, जेंट्स हो गया, मतलब इसके क्या है, पिता है। डी इज द फादर ऑफ बी देन हाउ ई एंड ए आर रिलेटेड, हमें इन दोनों का बताना है। ठीक है, तो ये इसका पिता है, तो ये इसका क्या होगा, ई इज द ब्रदर ऑफ ए, नहीं भाई नहीं हो सकता, ठीक है भाई तो ये इसका। फिर बोला है ए इज ए नेफ्यू ऑफ ई, नहीं, ई इज द फादर ऑफ ए, नहीं, ये इसका होगा इज अंकल ऑफ ए, ऑप्शन डी इसका आंसर है। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ई इज अंकल ऑफ ए, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है, जब ये इसका पापा है तो इसका भी पापा होगा, तो इसके इसका पापा के भाई, तो इसके क्या होंगे, अंकल होंगे, तो इसका आंसर है वो डी। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, ए इज द फादर ऑफ बी बट बी इज नॉट द सन ऑफ ए, देन वॉट इज बी टू ए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ए इज़ द फादर ऑफ बी, ए है फादर बी का, बी मतलब बी का क्या है, फादर, ए इज़ द फादर ऑफ बी। ठीक है, तो ए मेल हो गया। उसके बाद बट बी इज नॉट द सन ऑफ ए, बट बी जो है वो ए का क्या नहीं है, सन नहीं है, मतलब बेटा नहीं है, देन वॉट इज़ बी टू ए, ग्रैंड फादर नहीं होगा, सन इन लॉ नहीं होगा, ग्रैंड डॉटर नहीं होगा, क्या होगा, डॉटर होगा। क्या बोला है, देखिए ए इज़ द फादर ऑफ बी, ए बी का पापा है, उसके बाद बट बी इज नॉट द सन ऑफ ए, मतलब बी है वो ए का बेटा नहीं है, तो क्या होगा, उसकी बेटी होगी, तो आंसर डी इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर रहेगा डॉटर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करवाऊंगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू।